नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। लूट के आरोपी को किया मुठभेड़ में गिरफ्तार। खबर उत्तर प्रदेश के झांसी में गत दिवस एरस थाना क्षेत्र के पुलिया के पास दिन दहाड़े हुए गल्ला व्यापारी के मुनीम से लूटकांड की घटना का स्वाट टीम और एरस थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूटपाट की घटना में शामिल तीन लुटेरों को दबोचकर उनके कब्जे से 25 लाख की नकदी बरामद कर ली है। पकड़े गए लुटेरों में दो के पैर में गोली लगने से वे घायल हो गए, एक अन्य ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि लूटकांड की घटना का सूत्रधार गल्ला व्यापारी के यहाँ कार्य करने वाला आरोपी ही था। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के आगमन के एक दिन पूर्व एरस थाना क्षेत्र के झबरा पुलिया के पास गल्ला व्यापारी जमील खान के मुनीम को बाइक सवार दो बदमाशों ने उस समय 28 लाख रुपए लूट लिए थे, जब वे मुनीम बैंक से नकदी लेकर व्यापारी के पास जा रहा था। इस घटना का खुलासा करने में लगी स्वाट टीम और एरस थाना पुलिस ने बरुआ सागर निवासी रवि पाल, अशोक कुशवा, निरपत को मुठभेड़ के दौरान एरस के जंगल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गल्ला व्यापारी के लूट की घटना का ताना बाना बनने वाला युवक रविपाल काम करता था। इसी ने अपने साथी निरपत और अशोक को मुखबिरी कर लूटपाट की घटना कराई थी। पुलिस टीमों को सूचना मिली कि लूटकांड की घटना करने वाले बदमाश कहीं भागने की फिराक में एरस के जंगलों में घूम रहे हैं। इस सूचना पर पहुंची पुलिस टीम को देखकर बदमाशों ने फायर झोंक दिया और भागने लगे। पुलिस टीम ने अपना बचाव करते हुए फायरिंग की, जिससे दो बदमाशों के पैर में गोली जा लगी, जिससे दो बदमाश घायल हो गए। वहीं एक बदमाश ने समर्पण कर दिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 25 लाख की नकदी, तमंचा, कारतूस और घटना में प्रयुक्त बाइक को बरामद करते हुए जांच में जुटी है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। सर, एरस में अभी मुठभेड़ की जो सूचना प्राप्त हुई थी, क्या है पूरा मामला सर? दिनांक 14/5/2024 को जी सर, थाना क्षेत्र एरस में कैलाश नारायण पाठक, जो जमील अहमद जो अड़तिया का काम करते हैं उनके मुनीम हैं, ये SBI बैंक से 30 लाख रुपए निकाले थे, जो इनको अपने कस्टमर्स को बांटना था। 2 लाख रुपए इन्होंने बैंक में ही अपने किसी कस्टमर को दे दिया था। 28 लाख रुपया लेकर के जा रहे थे। करीब 4:30 बजे अपाची सवार दो बदमाशों ने इनसे बैग छीन लिया था। और इस घटना को की तहरीर पर थाना एरस में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कुल 5 टीमों का गठन किया गया था। केस को वर्कआउट करने हेतु आज स्वाट टीम प्रभारी तथा थानाध्यक्ष एरज को मुखबिर के सूचना मिली थी कि जो जिन अपराधियों ने लूट की है, आज जो जबरा रोड की तरफ जाने हैं अपना हिस्सा बांट करने के लिए, इस पे दो टीमें बना करके इनकी घेराबंदी की गई थी। इस पे जब अपने को घिरता देख करके इन्होंने बाइक में आड़ लेकर के टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में इनमें जो दो अपराधी हैं, जिनका नाम है रवि पाल और नरपत कुशवाहा, इनको गोली लगी है। और तथा अशोक कुशवाहा जो इस घटना में शामिल हैं, इन तीनों को गिरफ्तार करके जो घायल हैं उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। अशोक कुशवाहा की भी गिरफ्तारी की गई है। इसमें अशोक कुशवाहा मुखबिरी का काम किया था, जो ये वहाँ पे पल्लेदारी का काम करता था ये जमील के यहाँ, इन्हीं ने सारी प्लानिंग की थी। और ये जो तीनों अपराधी हैं, गुरसराय के गांव सारौल के रहने वाले हैं। और संपूर्ण घटना में अभी पूछताछ और की जा रही है और FIR पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इनसे क्या कैश बरामद हुआ है? इनसे कुल करीब 25,20,000 रुपये बरामद हुए हैं। और अभी भी इनसे पूछताछ अभी हम लोग करेंगे, इनकी और भी जो भी अगर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है और भी कोई क्या घटनाक्रम है। अभी चूंकि ये घटना तत्काल, ये अभी घायल हैं, इनका हॉस्पिटलाइज इनको कराया गया, इनका इलाज चल रहा है, इसलिए अभी पूरी तरह से अभी इनसे और हम लोग पूछताछ करेंगे, जिससे कि अगर कोई और घटनाक्रम है या और कोई बात है तो वो भी निकल करके आएगी। ठीक, ओके, थैंक यू सर।